मेरे चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं शाही मटर पुलाव। जी हाँ, आपने पुलाव तो बहुत सारे बनाए होंगे लेकिन इस तरह से नहीं बनाया होगा। चलिए आज मेरे साथ इस तरह से पुलाव बनाइए जो कि देखने में जितना सुंदर है खाने में बहुत स्वादिष्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें चावल, तो हमने एक कटोरी चावल लिए हैं और उन चावलों को हमने धोकर भिगो दिया था एक घंटे पहले, जो भीग कर ऐसे हो गए हैं। और अब हमें इसके बाद चाहिए मटर। मटर हमने एक कटोरी लिए, जितने चावल लिए उतने ही मटर लिए, हीप्ड एकदम भर के कटोरी। और क्योंकि हम शाही पुलाव बना रहे हैं इसलिए हम घी ले रहे हैं। आपको चाहिए तो आप इसमें तेल भी ले सकते हैं या आधा घी आधा तेल भी मिक्स करते हैं। मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है और नमक हम स्वादानुसार लेंगे। इसके बाद हमें चाहिएंगे ये कड़ी पत्ते। मैंने 3 से 4 छोटी इसकी डंडियाँ ली हैं जिसकी हमने ये पत्ते निकाल लिए हैं, और एक बड़ी हरी मिर्च, लाल मिर्च ली है जिसको कि हमने इस तरह तोड़ के टुकड़े कर लिए हैं। और अब हम ये मसाले देखिए, सौंफ 1 चम्मच लिया है, अजवाइन 1/2 चम्मच है, जीरा 1 चम्मच है, ये काली सरसों हमने ली, हमने राई नहीं ली, काली सरसों ली है हमने 1/2 चम्मच, हींग लिया है हमने 2 चुटकी, और ये लिया है हमने खड़ा गरम मसाला। इसमें हमने लिए हैं 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और 8-10 काली मिर्च। और ये देखिए इनको हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ज़्यादातर सब गरम मसाले को साबुत डालते, पर हमने इसको थोड़ा सा क्रश किया, पाउडर नहीं किया है। और ये है हमारे पास 1 तेज पत्ता, ये हम डालेंगे। और है ये दालचीनी की स्टिक जिसको कि हमने ये छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लिए हैं। इसको हम थोड़ा पीस के भी डाल सकते हैं, पर मैंने आज ये टुकड़े लिए हैं। लोग पूरी डालते हैं, हमें पूरी नहीं डालनी है क्योंकि उसका पूरा रस नहीं आता है। और फिर लिया हमने 1 चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच हल्दी है, ये सॉल्ट पाउडर है 1 चम्मच, और 2 बड़ी हरी मिर्च हमने बारीक कतर ली है, यानी कि 1.5 बड़ा चम्मच ही हरी मिर्च हमारे पास होगी। हम लेंगे ये पिस्ता फ्लेक्स, 1/2 कटोरी पिस्ता फ्लेक्स जो हमने लिए 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, और ये है दूध 1/2 कटोरी, और ये हरा धनिया हमने बारीक कतर के 1 कटोरी लिया है, और किशमिश है 1/2 चम्मच जो हमने साफ करके धो के रखी, ये काजू के टुकड़े हैं जो कि हमने लिए हैं 1 बड़ा चम्मच, और ये बादाम फ्लेक्स हैं जो कि 1 चम्मच है, 1 बड़ा चम्मच है ये भी, और केसर लिए हमने 8 से 10 दाने जिनको कि हमने पानी में भिगो कर घिस लिया है। बस अब इन मसालों के साथ हम शुरू करेंगे। गैस ऑन करेंगे और उसमें हम डालेंगे हमारा घी। सबसे पहले हमको ये घी डालना है। ये घी हमारा हुआ, ये जब घी गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे ये हमारे, थोड़ा सा गर्म हो जाए घी अच्छे से, हम ये काजू इसमें तल के निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे लास्ट में डालेंगे, इसको हम बाद में अलग से क्यों करें, फालतू की मेहनत है ना, इसलिए हम इनको पहले ही थोड़ा सा सेक लेते हैं घी में और इसको हम निकाल लेते हैं। और काजू आप कभी भी पूरे मत डालिए, काजू को टुकड़े करके और उसको अंदर से चेक कर लीजिए कहीं कुछ हो ना। बस इस तरह से हमको काजू कर लेना है। हमारे देखिए काजू में रंग आने लग गया, हल्का हल्का हल्की सी इस पर रंगत आ जाए, बस इसे हम निकाल लेंगे, बाकी वो अपने आप से अपनी आँच में होते रहेंगे क्योंकि इनमें अपना नेचुरल ऑयल होता है जो कि उसे अपने आप थोड़ी देर तक गर्म रहता है, इससे हमारा और हो जाता है। अगर हम जितना चाहिए उतना हम पहले ही तल लेंगे ना तो वो ओवर कुक हो जाता है और है ना एकदम से जला जला सा लगने लगता है उसका स्वाद। ये बस हमारा ये हो गया है, हमें इसे डार्क नहीं करना है, बस हमारा ये तैयार हो गया। ये अब हमारा ये घी गर्म ही है, इसमें हम डाल देंगे अभी ये दालचीनी। आँच हमने कम कर दी नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे, और ये खड़ा गरम मसाला साथ में जाएगा, ये हींग और ये सारे, ये सरसों, ये हमारा गया जीरा, ये अजवाइन, सौंफ और साथ में ये लाल मिर्च। बस
इनको हमें अच्छी तरह होने देना है। ये देखिए ये हमारे मसाले अच्छे से क्रैकल हो जाएं, क्योंकि मेरी आंच लगा घी ज़्यादा गर्म हो गया है तो मैंने इसको कुछ सेकंड्स के लिए रोक दिया। अब हैं ये हमारा तैयार हो गए, हमारे सारे अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ये हमारी हरी मिर्च, क्योंकि ये मसाले सूखे थे। अब ये हरी मिर्च जाएगी, हरी मिर्च को हम थोड़ा सा सौते कर लेते हैं और साथ में डाल देंगे हम ये कड़ी पत्ते। और अब डलेगा इसमें जाएगा हमारा मटर। ये इसमें अच्छे से हमको मटर को थोड़ा सा भून लेना है अच्छी तरह, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये जब भुन जाते हैं ना तो उसकी खुशबू उठ के आती है। और आप सोचेंगे सब लोग गरम मसाले खड़े डालते हैं ना, मैंने इसको थोड़ा सा क्रश किया। क्यों? वो इसलिए कि ये जो पूरे रहते हैं ना तो वो अपनी पूरी खुशबू नहीं दे पाते हैं, उसमें बहुत सारा अंश रह जाता है, एक तरह से कहें तो वेस्ट होता है। जो बड़े उसमें करते हैं लार्ज स्केल पे, उनको लोग वेस्टेज का कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हम घर में बना रहे हैं हमको किफ़ायत का भी ध्यान रखना है और चीज़ भी अच्छी बनानी। अब देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें चावल। अब इसको बहुत सावधानी से हिलाना है, हमारा चावल टूटना नहीं चाहिए, लेकिन चावल हमें भूनना है, चावल की सिकाई होनी है हल्के हल्के से, चावल एक दाना नहीं हमारा टूटे, इतनी सावधानी, इसीलिए मैंने इस तरह की जाली ली है। बस हल्के हल्के हाथ से इसे आप हिलाइए, चावल का हल्का सा रंग बदल जाएगा, फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। इस समय मैं डाल रही हूँ इसके साथ ये हल्दी हमारी, हल्दी हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्का रंग होगा तो सुंदर लगेगा, बहुत तेज रंग लाल गहरा ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हमने हरी मिर्च डाली है और गरम मसाले हैं। हरी मिर्च आपको चाहिए तो आप और भी उपयोग कर सकते हैं। मैं तेज पत्ते अब डाल रही हूँ, इसको मैं नीचे ले लेती हूँ। आप चाहें ना तो इन्हें पहले भी, जब हमने सारे मसाले फ्राई किए थे ड्राई मसाले, उसके साथ भी तेज पत्ते हम डाल सकते हैं, उस वक्त डालने ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन मैं कभी कभी बाद में भी डालती हूँ। आज मैं बाद में डाल रही हूँ, वरना आप इसे जब ये मिर्च और ये सब डालते हैं ना उसी वक्त इसे डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें साथ डाल रही हूँ दो गिलास पानी, यानी कि दो कटोरी पानी, मेरी वो कटोरी और गिलास का एक ही नाप है। जो ये पानी मैंने गर्म पानी लिया है, हमें गर्म पानी ही डालना है इसमें। और इसका हमें ये ध्यान रखना है कि जितना चावल है उसका दुगना हमें पानी चाहिए, और अगर आपके चावल ज़्यादा पानी लेते हैं तो आप कई चावल सवा दो गुना पानी भी लेते हैं तो आप उसको सवा दो कटोरी भी डालिए, जैसे आपके चावल पानी लेते हैं उतना आप डालिए। और इसके बाद हमें जाएगा इसमें ये दूध, ये आधी कटोरी दूध है जो हमने इसमें डाल दिया। ये दूध इसमें जाएगा तो इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, इससे इसको एकदम ग्रेस आ जाता है। बस अब इसे हम तेज उबलने देंगे और साथ में हम डाल देंगे इसमें ये किशमिश, जो कि इसके साथ उबल के फूल जाएगी और एकदम बढ़िया हो जाएगी। और अब जाएगा इसमें नमक। देखिए हमने इतनी सारी चीज़ें डाली, नमक तो डाला ही नहीं, और नमक के बिना स्वाद कैसे आएगा। नमक को पता है सबरस भी कहते हैं, एक नाम नमक का सबरस है। हम स्वादानुसार नमक डालेंगे जितना हमें चाहिए। बस इस तरह हम इसे एक बार वापस स्टेयर कर देंगे, एक उबाल आ जाए फिर हम इसे ढक देंगे। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ सौंठ पाउडर, क्योंकि हमने अदरक नहीं डाला है, हम अदरक नहीं डालते हैं, हम इसमें सौंठ डालेंगे। बस अब इसको हम, ये हमारा उबाल भी आ गया है, इसे हम ये ढक देंगे और आँच कम कर देंगे और इसे पकने देंगे जब तक कि हमारा चावल अच्छे से नहीं हो जाता। इसे 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए हमारे, देखिए काफ़ी कुछ चावल हो गए। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे ये नींबू का रस 1 चम्मच, इससे हमारे चावल अच्छे से खिले खिले बनते हैं। बस ये डाला, अब इसे हम वापस ढक के होने देंगे।
ये अब हम इसे खोल रहे हैं। अब ये देखिए हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ ये एक चम्मच से भी थोड़ी कम यानी 1/4 चम्मच मैंने शक्कर डाली है। इस ये शक्कर इसे बैलेंस करेगी इसके स्वाद को। और बस अब हम इसे वापस ढक देते हैं। एक बार हिला दिया ताकि ये हिलाने से क्या होता है ये सब है ना ये वरना मटर के दाने ऊपर आ जाएंगे। हमने एक बार हिला दिया ना ये सब ऊपर नीचे सब बराबर हो जाएंगे इसलिए बीच में एक या दो बार हम हिला देते हैं। बस अब इसे धीमी आंच पे होने देंगे और ये पक जाएंगे। अब हम इसे खोल के देखते हैं कि क्या स्थिति है। ये देखिए हमारे चावल एकदम तैयार है। अब इसमें हम हरा धनिया मिक्स कर देंगे थोड़ा सा हम बचा लेते हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। बस अब हम इसे हल्के हाथ से इसे कर लेंगे और साथ में हमारे ये बादाम और पिस्ते भी इसमें हम डाल देंगे। ये भी थोड़े थोड़े हम गार्निशिंग के लिए बचा देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी केसर जो कि इसको एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू और इसको रॉयल टच देगी। बस ये आहा क्या प्यारी खुशबू आ रही है अब इसमें से। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारे तले हुए काजू। बाकी सब तो हम अंदर डाल चुके हैं काजू बस बचे थे जो हम ऊपर से ये डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे। ये हमारा तैयार हो गया। बस अब इसे परोसने की तैयारी करते हैं। अब हम इसके ऊपर केसर के थोड़े छींटे दे देते हैं इस तरह से। और ये थोड़ा सा हरा धनिया इसके हम चारों तरफ रख देंगे। ये इस तरह से इसको सजा देंगे। और अब हम ये हुआ इसके बाद हम डालेंगे इस पर हमारे पिस्ता फ्लेक्स जो कि इसे बहुत ही सुंदर कलर देंगे। और ये है हमारे बादाम फ्लेक्स जिसके रंग रूप को भी बढ़ाएंगे इसके स्वाद को भी बढ़ाएंगे क्योंकि जो हमने अंदर डाले थे वो तो भाप से मॉइस्चर से नरम हो चुके। अब ये जो ऊपर हम ये डाल रहे हैं ये काजू भी हमारे तले हुए जो अंदर थे वो तो अंदर चले गए लेकिन और वो उनसे क्या होता है कि वो अंदर थोड़े से मॉइस्ट हो जाते हैं और ये जो ऊपर वाले हैं ना इनसे उसमें क्रंच आती है इस तरह। अब ये देखिए हमारा पुलाव तैयार है परोसने के लिए। ये हमारा शाही पुलाव मटर का तैयार है जो देखने में जितना सुंदर लग रहा है ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। और इसे आप जब चाहें बना सकते हैं और कभी आपके यहाँ मेहमान हो तो आप बहुत प्यार से इसे बना सकते हैं। ज़रूर सबको बहुत पसंद आने वाला है। और कोई चीज़ खाने के लिए मेहमान होना ज़रूरी तो नहीं है। जब आप चाहें आपकी इच्छा हो आप बना सकते हैं। और हाँ बस बनाइएगा इसी तरह और एंजॉय कीजिए। मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए लाइक करिए शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए।